तो गाइस ये रात का सीन है और अभी 8 बजे हैं और अभी भी स्नोफॉल चल रही है। ओहो हो, ये पूरा हमारा लॉन बर्फ में भर गया है। ओए होए होए होए, ये देखिए पूरा स्नोफॉल हो रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फ्रॉम नाको विलेज। और आपको पता ही है, जो मेरा रेगुलर व्लॉग देख रहे हैं, हम विंटर स्पीति की ट्रिप पे हैं और हम लेके आए हैं जिमनी। और अभी नाको में सुबह के 7:30 बजे हैं और मैं दिखाता हूँ यहाँ का टेम्परेचर, -22। इस समय -22 है और रात को ये गया था -26 तक। तो बाहर का थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी भी मौसम ख़राब है पूरा, और ये पूरा हमारे स्नो। और यहाँ पे रूम में हम रुके हुए हैं, अभी भी तेज़ हवा चल रही है। मेन दिक्कत इस यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं ना, बहुत तेज़ चलती हैं। चलते हैं अंदर, देखते हैं कब क्लियर होता है, फिर निकलते हैं आगे। तो गाइस ये हमारी जिमनी अभी मैंने स्टार्ट कर दी है, स्टार्ट करके छोड़ दिया है। और ये सूर्य देवता निकल गए हैं। और ये व्यू देखो, नाको विलेज, ये सामने आप देख रहे हैं, ये है नाको विलेज। और ये सामने है हेलीपैड, और यहाँ पे हमने स्टे किया था इस होम स्टे में। और ये डॉगी, ये हेलीपैड है सामने, ये हेलीपैड। हाँ, अभी काजा की तरफ से कोई व्हीकल तो आया नहीं है, वो वेट कर रहे हैं, जैसे ही आता है तो हम निकल जाएंगे। और कल बीआरओ वाले बोल रहे थे कि हम 11 बजे तक क्लियर कर देंगे रोड, तो अब फिर हम निकलते हैं काजा की तरफ। 3 घंटे का हमारा सफ़र हो रहा है। तो गाइस नाको का ये मेन स्टॉपेज है, और यहाँ की लाइफ कितनी टफ है जब बर्फ़ गिरती है, लोग साफ करते हैं। और ये देखिए इंग्लिश वाइन एंड बियर शॉप भी खुल गई है नाको में। और ये वेद भाई हमारे बिल्कुल रेडी हैं, और वो सूरी जी यहाँ पे ब्लॉग बनाते हुए सड़क के बीच में बांध ना खड़ा करें। ओए होए, बल्ले बल्ले हो रही है, और बड़ी चिल 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 भी है और धूप भी है, दोनों का मिश्रण है। रील्स चैनल है जो, वो हमेशा आपको पता है कोई नई नई चीजें लाता रहता है। तो अब हम अपनी टीम के साथ हैं नाको में, और पूरी बर्फ ही बर्फ है। कल रात को भयानक बर्फबारी हुई है, तो हम अपनी टीम के साथ हैं। ये हमारी टीम है, और ये हम हैं, और ये हमारी टीम है, और साफ करेंगे, और अब हम सफाई का काम शुरू करेंगे। काजा के लिए निकल चुके हैं, ये अभी रास्ते में रोड जो सा ब्लॉक था ये ठीक हो रहा है। अभी आपको जो देखा है, हमें पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हटा रहे हैं, और ऊपर से कुछ लैंडस्लाइडिंग हुई थी। जो आगे एक नाला एरिया आएगा, मलिंग नाला उसका नाम है, मलिंग नाला, वहाँ पे कुछ लैंडस्लाइड है जो पता चला है। तो उधर जाके एग्जैक्ट पोजिशन पता चलेगी। ये देखिए मलिंग 1 किलोमीटर है। तो गाइस मलिंग नाला पे पहुंच गए हैं, और मैं दिखाने वाला हूं आपको सबसे डेंजरस पार्ट हमारी जो भी जर्नी का होता है, बाइकिंग का होता है। ये देखिए स्टीप चढ़ाई है एकदम, और इसी को थोड़ा यहाँ पे मतलब स्किड मारती है गाड़ी, और ये पूरा जाने पर वो देखो क्रेन लगी हुई है, वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ पड़ा, वो पत्थर हटा रही है। अभी कह रहे हैं 1 घंटा और लगेगा, और उसके बाद नीचे बिल्कुल स्टीप डाउन है। ये पार्ट है थोड़ा हमारा डेंजर, और लैंडस्लाइड एरिया सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड इसी एरिया में होता है। एक जिमनी खड़ी है, जीप खड़ी है, और हमारी पीछे जिमनी खड़ी है। तो बस वेट करते हैं फिर निकलेंगे।
आज मौसम थोड़ा ठीक हो गया, हल्का हो गया दोस्तों। ये मलिंग नाला है, जो रास्ता अभी काफी समय से बंद था। ये बॉर्डर के जो लोग हैं, अपना रोड जो क्लीयरेंस वाले लोग खड़े हुए हैं, इन्होंने रास्ता ये खोल दिया है और अब हम निकल रहे हैं काजा की तरफ। रोड क्लीयरेंस हो चुकी है, हमें रुका हुआ है और जाने की इजाज़त मिल गई है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। देखिए जी, अब हम मलिंग नाला में जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, ये आपको जगह दिखा रहे हैं। ये देखिए वो ट्रक गया वहाँ से, वो सामने से वो जो ट्रक जा रहा है, और ये रास्ता है। ये देखिए, ये ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ था अभी, जो रात को हुआ था, और ये रास्ता बंद था यहाँ से। इसी वजह से हम वेट कर रहे थे काफ़ी देर से, और ये रास्ता हमने क्रॉस कर लिया है जहाँ से लैंडस्लाइड हुआ था, और आगे की तरफ बढ़ चुके हैं हम। ये देखिए, ये रोड क्लीयरेंस वाले लोग हैं, ये गाड़ी है उनकी, और ये आगे हमारे ट्रक चल रहा है, और ये पूरी ढलान है। अब इस समय हमने जिमनी को 4x4 कर रखा है। मलिंग नाला हमने क्रॉस कर लिया है, जो कि सबसे डेंजरस पार्ट होता है हमारी पूरी स्पीति राइड का, और वहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत ही ज़्यादा होती है। कल रात को भी लैंडस्लाइड हुई थी, और अभी जस्ट अभी क्लियर हुई है, और जिससे हमारी सारी गाड़ियाँ निकली हैं, और इसके बाद रोड बिल्कुल साफ़ है, वो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे जैसे आगे जाएंगे, और अब हम बिल्कुल डाउन पे जाते जाएंगे। मलिंग नाला जो सबसे ऊंचाई पे था अभी, और चांगो यहाँ से 17 किलोमीटर है, चांगो के बाद बिल्कुल प्लेन रोड शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, मैं वही आपका पुराना कैमरामैन पुराने अंदाज में आपको ये सुंदर नज़ारे रोड के दिखा रहा हूँ, जो इतने ब्यूटीफुल रोड बनाए हैं। ये सारी मेहनत जो है हमारे BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये बनाते हैं ये रोड्स, और इतने सुंदर घुमावदार रोड्स इन पहाड़ियों और वादियों को और सुंदर बना देते हैं। हमारे आगे आगे बड़ी ब्रांड न्यू स्कॉर्पियो चल रही है, ये भी पहले शायद बाइक पे जाते होंगे, अब ये भी थोड़ा सा मज़े ले रहे हैं। और ये देखिए साइडों पे बर्फ़, घुमावदार रोड और सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ, और इन पहाड़ियों का नज़ारा, वाओ ब्यूटीफुल। थैंक यू। हमने वो रोड देख रहे हैं नदी के साथ, वहाँ तक जाना है, और ये सारे पिन बैंड्स को हमने क्रॉस करके जाना है। ये सामने ये कम से कम 5-6 पिन बैंड्स आएंगे, इसको क्रॉस करके वो नदी के साथ साथ हमने आगे निकलना है अभी। तो गाइस, हम पहुँच गए हैं सुमडो, और यहाँ पे चेक पोस्ट है, और यहाँ पे 200 रुपये की पर्ची काटते हैं, जो स्पीति डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं उसकी 200 रुपये चार्जेस लेते हैं। और ये सामने देखिए सीमा सुरक्षा संगठन, ऑलरेडी मेरी तो बहुत पुरानी पॉलिसी, 2 hours 50 minutes दिखा रहा काजा, अभी भी 75 किलोमीटर दिखा रहा अभी। तो अभी तक तो बिल्कुल स्मूथ ड्राइव चल रही है हमारी, जो मेन पार्ट था वो हमने क्रॉस कर दिया है। ये मेरे सामने है गोइम मोनेस्ट्री जाने का रास्ता, ये सामने जो गेट लगा हुआ है, और यहाँ पे आप 400 साल पुरानी मम्मी ही है, यहाँ पिक्चर बनी हुई है। यस, कहाँ जा रहे सर आप लोग? काजा कहाँ जा रहे हैं सर? एक लिफ्ट मिल जाएगी सर यहाँ आगे बेटे, पर जगह तो है नहीं पीछे। अच्छा, I am sorry because that there is no space. It's okay, sir. Yeah? Okay. आराम से आना। क्लियर है रास्ता? रास्ता ठीक है, बस पता नहीं आना। हाँ हाँ। क्यों नाला? तो ये रास्ता है। देखा नहीं? ये रास्ता है सामने वाला। जाओगे तो ही कहाँ? एक 1.5 घंटा लग जाएगा। नहीं, आधा घंटा जाने का, आधा घंटा आने का, और आधा घंटा वहाँ रुकने का, विचरण करने का। तो ये रास्ता देख लीजिए, सुमडो से सिंगल रास्ता हो गया यहाँ पे, उससे पहले पूरा डबल रास्ता था, तो ये अब सिंगल रास्ता है, और पूरा आइस है यहाँ पे। तो इस समय हम जो है आपको जो दिखा रहे हैं, ये सेब के बाग है, ये देखिए इस तरफ भी, और ये देखिए इस तरफ भी, ये सेब के बाग है। ये सेब के बाग इस समय सूख चुके हैं, और क्योंकि ये विंटर सीजन चल रहा है,
तो ये सूख चुके हैं बिल्कुल। तो ये हमारा आपको वादा है कि जून में फिर आएंगे और हरे भरे सेबों के साथ आपको दोबारा से लाइव होंगे। ये बहुत ही बढ़िया होते हैं जब आप गर्मियों में आते हैं जून के महीने में, यहाँ सेबों के बाग में सेब ही सेब लगे हुए होते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही संकरी सड़क है, वन वे, वैसे तो टू वे ही है, बट ये जो सड़क है जो हम अब जिस सड़क पे इससे मैं ड्राइव कर रहे हैं, ये सड़क 10 फुट की सड़क है, मेरे ख्याल से 10 से भी कम ही लगेगी। और ये साफ में देखिए ये नदी जा रही है, ये मैं आपको नदी दिखा रहा हूँ, ये साफ में नदी है जो जा रही है। और इस सड़क के ऊपर अगर सामने से कोई हैवी व्हीकल आ जाता है या कोई बड़ी गाड़ी आ जाती है तो एक साइड पर रोक कर ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये वाली जो सड़क है ये बिल्कुल ये सीधी जा रही है जो आप देख रहे हैं, और इसके साथ में ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ये सारे कच्चे और पक्के मिक्स पहाड़ हैं, इसमें हार्ड रॉक्स भी हैं और सॉफ्ट वो भी है, जिसे बोलते हैं पहाड़, वो भी हैं बीच में। और ये बिल्कुल संकीर्ण रास्ता है और जहाँ बहुत सीधा ही रहा है और बहुत अच्छा बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो BRO ने बनाया ये रास्ता बहुत अच्छा बनाया है। नीचे आपको मैं जो दिखा रहा हूँ ये देखिए, ये नीचे ये नदी चल रही है हमारे साथ साथ, साफ़ सुथरा रास्ता है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आती है कि बहुत समय समय से यहाँ पे लैंडस्लाइड होता रहता है। तापो पहुँचने वाले हैं, ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता आ गया है और आगे ये जो भी अब गांव आएगा आई थिंक तापो पहुँच जाएंगे हम, और उसके बाद फिर जाएंगे हम काजा को। काजा वहाँ से एक घंटे का रास्ता और रह जाता है। और ये सामने माउंटेन्स देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया माउंटेन्स हैं, स्नोई माउंटेन है सामने। काजा में हम थोड़ा ब्रेक लेंगे, ताबो में ब्रेक लेते हैं, फिर वहाँ से फिर कुछ चाय पानी पी के निकलेंगे आगे फिर। और ये रास्ता देख लो यहाँ का बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता है। गाइस जो पीछे गांव निकला है वो लारी गांव था, ताबो नहीं था, और ताबो अब नेक्स्ट आएगा। और ये सामने जो आप कटिंग पहाड़ों की देख रहे हैं ये आपने जो मूवी थी केसरी मूवी उसमें देखा होगा, ये केसरी मूवी की शूटिंग लोकेशन है। यहाँ पे काफ़ी पार्ट्स यहाँ पे शूटिंग की गई थी स्पीति में केसरी मूवी की। ये देखिए आगे भी ऐसे कटिंग मिलेगी हमें पहाड़ों की। तो दोस्तों दो घंटे ढाई घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंच गए हैं ताबो। वेलकम टू ताबो। ये सामने पूरा गांव ताबो का है, ये पूरा गांव जो आप देख रहे हैं ना ये ताबो का है। यहाँ पे पॉपुलेशन कम है पर लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के। यहाँ पे हमें विश्राम के लिए 1 किलोमीटर आगे जगह भी है जहाँ पे हम थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं और कुछ चाय पानी लेंगे तो टांगे सीधी करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे भी आप सेब के पेड़ देख सकते हैं, ये देखिए ये सेब के बागान है। तो गाइस हम पहुँच गए हैं ताबो में और ये मेरे सामने रेस्टोरेंट, और यहाँ पे हमने ऑर्डर दिया है मोमोज का। यहाँ के स्पेशल मोमोज है, विंटर स्पेशल मोमोज, और ये शॉप्स हैं यहाँ पे, और मोनेस्ट्री गेस्ट हाउस है सामने ये वाला, ये ताबो कैफ़े है, होम स्टेज हैं, तो काफ़ी यहाँ पे रहने की व्यवस्था है। लेकिन अभी ऑफ सीजन है इस वजह से कोई भी मतलब कि रेस्टोरेंट खुला नहीं हुआ, एक दो रेस्टोरेंट ही खुले हुए हैं अभी, क्योंकि स्नोफॉल अभी एक तरीके से ही शुरू हुई है और लोग अभी आने शुरू हुए हैं विंटर में, नहीं तो एक महीना था बिल्कुल कोई भी नहीं आ रहा था अभी। तो बस अब मोमोज खा के फिर आगे निकलते हैं काजा को। गाइस ये हमारे आगे है चिकन मोमोज और हमारे भाई खा रहे हैं। कैसे हैं? बढ़िया। विंटर स्पेशल, वेरी गुड। पलदाम लामा खेमो। तो ये ताबो के अंदर है। गाइस ये है ताबो की मोनेस्ट्री सामने, ये है पूरी मोनेस्ट्री, ये स्तूपा सामने, और ये होम स्टे, और ये मेन गेट है, और ये देखिए माउंटेन। बहुत ही प्यारी मोनेस्ट्री है ताबो की। ताबो से काजा की तरफ, काजा की तरफ ये देखिए नज़ारे देखिए आप, ये मिट्टी के पहाड़ है, ये मिट्टी के पहाड़ों के बीच में से हम जा रहे हैं, ये पूरे मिट्टी के पहाड़ हैं और मिट्टी के पहाड़ों के बीच में से हम जा रहे हैं। दोनों तरफ बर्फ ही बर्फ है, मिट्टी के पहाड़ हैं, बहुत ही छोटा रास्ता है, बहुत ही छोटी सड़क है, 10 फुट की सड़क बोल सकते हैं इसलिए। बहुत ही बढ़िया नज़ारा, ये देखिए स्वर्ग है, धरती का स्वर्ग। तो गाइस हम जा रहे हैं अभी काजा की तरफ, तो हमें अपना ग्रुप मिला है
जो चंडीगढ़ का ग्रुप है थम्पर कैफे, थम्पर वाले भाई साहब हैं, तो ये करके आए हैं अभी काजा और स्पीति, विंटर स्पीति करके आए हैं, बाइक स्पीति। आपका नाम? नितिन सर, नितिन। ये है नितिन भाई, कौन सी गाड़ी है आपकी? गुरखा सर। गुरखा, वेरी गुड। डॉक्टर हेमंत कौशल, जिमनी वाले भाई। भाई जे भाई है, कौन सी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है यार, थार वाले भाई। चेन की टेंशन नहीं, कुछ नहीं, हाँ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। अभी हम करके आए हैं, कहीं पे भी 4x4 भी तब लगाना जाओ, जरूरत नहीं, जरूरत पड़ी अभी तक तो मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। तो ये टोटल 6 गाड़ियां हैं जो वाइट स्पीति करके आई हैं, और ये इनका स्टिकर है थम्पर कैफे, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। तो गाइस ये है थम्पर कैफे भाई का ग्रुप, जो काजा है 18 किलोमीटर रह गया है, और मैं आपको दिखाता हूँ फ्रोजन झरना, फ्रोजन वाटरफॉल है ये, देखिए। और ये सर्दियों में पूरा जम जाता है, और जब आप जून जुलाई में आएंगे तो ये पूरा पानी बहता नज़र आएगा आपको, पूरा वाटर पानी की तरह वाटरफॉल, और इस समय पूरा फ्रोजन है ये। मैं बहुत वीडियो में देखता था और मन करता है यार लाइव देखना है, एक बार जरूर देखना है। आज वो सारे काम पूरे हो रहे हैं, ड्रीम पूरे हो रहे हैं। हाँ, मजा आ गया, मजा आवा, क्या बात है। तो ये हमारी जिमनी खड़ी है, और ये वाइट स्पीति देख लीजिए, बिल्कुल वाइट, चारों तरफ वाइट है, और ये ब्रिज है, वाओ। दिखा रहे हैं आपको केसरी मूवी शूटिंग लोकेशन, और जो पहले आपने देखी थी वो भी थी, और ये बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जो ये पहाड़ देख रहे हैं। मूवी में आपने देखा होगा ये सीन का, स्पीति में शूटिंग हुई है केसरी मूवी की, और ये देखिए रोड पूरा वाइट, पूरी स्नो मिली है हमें पूरे तापों के बाद। तो अब लगभग 7-8 किलोमीटर रह गया है, काजा पहुंचने वाले हैं हम। इस ये काजा का गेट आ गया है, और हम एंटर कर गए हैं काजा में, और इतनी 3-4 दिनों की मेहनत के बाद हम पहुंच गए हैं वाइट स्पीति में, विंटर काजा। तो अब बस अब होम स्टे देखते हैं, कहीं वहाँ पे रेस्ट करते हैं फिर। इस एशिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे ये पेट्रोल पंप है, इंडियन ऑयल का। तो ये कभी नहीं है, हाईएस्ट है ये वाला पेट्रोल पंप, हाईएस्ट पॉइंट है ना। हाँ, तो हाईएस्ट पॉइंट वाला पेट्रोल पंप है यहाँ पे। हमने अपना पेट्रोल फ्यूल फुल करा लिया है जिमनी में, और अब हम सर्च कर रहे हैं होम स्टे, फिर चलते हैं आगे होम स्टे पे। तो गाइस हम पहुँच गए हैं काजा, ये हमारी जिमनी खड़ी है सामने पार्किंग में, ये है क्रिकेट ग्राउंड, काजा का क्रिकेट ग्राउंड है, नोरियांग होम स्टे, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, और ये है नोरियांग होम स्टे। मैं अंदर से दिखा देता हूँ, बहुत ही शानदार होम स्टे है, जब भी आप आओ काजा तो आप आ सकते हैं। मैं अंदर से दिखा देता हूँ, अंदर से दिखा देता हूँ आपको, सिंगल सिंगल बेड लेने हैं, डबल बेड, ये देखिए, एक तो ये रूम है, हीटर लगा हुआ है, बहुत बढ़िया है, और इसका टॉयलेट दिखा देता हूँ। सबसे बड़ी बात है यहाँ
ये इंग्लिश टॉयलेट है, वॉश बेसिन है, गीजर लगा हुआ है। मैं तो इसमें सीख लूंगा। और एक कमरा ये है और ये मेन ड्राइंग रूम है। यहाँ भी दो बेड लगे हुए हैं डबल डबल। ये सिटिंग एरिया है और ये आपका नेचुरल हीटर लगा हुआ है। ओहो हो हो, कैसा लगा? एक नंबर, एक नंबर। हैप्पी बर्थडे मनाया गया है यहाँ पे आज, सूर्य जी का हैप्पी बर्थडे मना देंगे। मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट पार्ट पता क्या होता है, जहाँ जाओ ना वहाँ सुकून होना चाहिए, जगह एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए, और लोग अच्छे होने चाहिए, लोकल लोगों के साथ मिलके बहुत अच्छा लगता है। आप इस समय हम जहाँ पे हैं यहाँ -डिग्री टेम्परेचर है, -14 है, बाहर कोई भी नहीं है, पूरी सड़कों में कोई नहीं है, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस प्लेस है। यू ऑलवेज कम एंड स्टे हियर इन काजा। ये देखिए यहाँ के बर्तन, स्पीति, वेरी गुड। तो गाइस आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? और हमें तो यार बहुत ही जबरदस्त अचीवमेंट लग रही है कि हम ना 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 करते करते हम काजा पहुंच ही गए। बहुत रुकावटें आई हमारी विंटर स्पीति में, लेकिन सब बाधाओं को पार करते करते अब हम 5-6 दिन यही हैं बस। सुबह बस पकड़ के निकल जाऊंगा। भाई साहब कह रहे हैं मैं सुबह बस पकड़ के निकल जाऊंगा। तो आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा कमेंट करना, कोई भी क्वेरी हो मैसेज करना, मैं रिप्लाई करूंगा। तो अंत में दोस्तों, राइड हा राइड से वंदे मातरम, जय हिंद। और मैं इस होमस्टे का एड्रेस और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आ सकते हैं फ़ोन करके।